खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, ये आपने कई बार सुना होगा। आज जानते हैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्या होता है शरीर के अंदर जब हम खाने के साथ ये पानी पीते हैं। तो दरअसल आपने खाना चबाया और उसमें थोड़ी थूक और सलाइवा जिसको कहते हैं मिल गई, खाने को नरम कर दिया, कुछ पचा दिया जितना हो सका और पेट में उतर गया वो, यहाँ जठर में, एपिगेस्ट्रियम पार्ट। यहाँ खाना 30-40 मिनट रुकता है। क्या करता है खाना रुक के, यहाँ खाना मैश होता है, जो भी आपने खाया वो नरम होना है यहाँ पे, उसका इतना ही काम है, और उसको नरम करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सरल भाषा में समझा दूँ तो पानी और नमक का घोल एक तरह से, वो अंदर से डायरेक्ट पानी नमक नहीं होता क्योंकि उसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों के मिलने से बनता है, लेकिन बनता ही नहीं दो चीज़ों से, तो वो जो तेजाब जैसा होता है खट्टा खट्टा, वो इसको पचाता है, खाने को मैश करता है। कई बार आपने देखा हो खाना खाते ही उल्टी आई हल्की सी तो खट्टा पानी निकलता मुंह से एक जैसा हमेशा, तो क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर सिर्फ एक ही ये अम्ल होता है, ये खाने को पचाता है। फिर जब 30-40 मिनट बाद खाना नरम हो जाता है, नीचे का वाल्व खुलता है और वो खाना छोटी आंत में चला जाता है, वहां पे फिर लीवर की पाइप जुड़ी होती है उसके साथ, वहाँ पे उसको फैट उसमें से पचाने के लिए अलग रस फेंकती है, और अगर कोई उसमें प्रोटीन है या कोई भी चीज़ है तो उसके लिए अलग 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 सॉल्ट्स, अलग अलग उसके लिए रस बने होते हैं उनको पचाने के लिए। जब ये प्रोसेस चल रही होती है, जठर में ही खाना पच रहा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको खाने को गला रहा होता है, नरम कर रहा होता है, तब अगर आपने पानी पी लिया खाने के बाद, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का जो एसिड है, तेजाब है, ये खाने को पचाता है, आंतों को कुछ नहीं कहता, खाने को पचाता है खाली, इसकी ऐसी पोटेंसी है। ये पतला हो जाता है क्योंकि इसमें पानी मिल गया, अब वो उतनी ज्यादा अच्छे से मैश नहीं हो पाता खाना, जाहिर सी बात है डाइल्यूट हो गया वो, थोड़ा तरल हो गया, तो खाना पचेगा लेकिन उस तरह से मैश नहीं होगा, उतनी जल्दी नहीं होगा, खाना वहीं पड़े रहेगा, सड़ेगा, गैस करेगा, शरीर जोर लगाएगा खाना मैश करने के लिए, वो मैश होगा नहीं, थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बन जाएगा। अब जब ये बार बार ऐसा होगा, पानी आप पी लिया तुरंत आपने खाने के बाद ज़्यादा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनाना पड़ेगा शरीर को। अब ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब यहाँ जठर भाग में ऊपर बनेगा, तो गुंजाइश होती है, संभावना होती है कि आपकी अंदर की फूड पाइप को भी नुकसान करे, जलाए वो, थोड़ा बहुत छाले पैदा करे, जलन पैदा करे, एसिडिटी पैदा करे, एक तो कारण ये होता है। दूसरा, शरीर में रस ज़्यादा निचुड़ गए, जो पाचक रस आपको दिन भर खाना पचाने में काम आने थे, वो एक ही बार भोजन पचाने में लग गए, शरीर में कमजोरी आएगी, थकान आएगी, लो फील करेंगे आप, शरीर को मेहनत ज़्यादा लगी, प्रोडक्टिविटी कम आई, ये एक तरीका कारण हो गया। दूसरी चीज हमको बोला जाता है कि आप खाने के साथ छाछ पी लो, आप खाने के साथ रसा वाली सब्जी ले लो, उसमें भी तो पानी है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है, यहाँ कच्चे पानी की बात हो रही है जो अग्नि को बुझा सकता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पतला कर सकता है। जो आप खाना पचाते हैं उसमें घी और चिकनाई बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं, ये अग्नि में जैसे तेल डालने का काम करते हैं, जैसे आपने कोई सब्जी बनाई रसा वाली लेकिन वो पका ली, उसमें थोड़ा घी भी था, तेल भी था, सारे सब्जी ने अपने गुण पानी में छोड़ दिए, पक गए अच्छी तरह से, वो पानी नहीं रहा, अब वो उस सब्जी का ही अंग है, उस भोजन का ही अंग है, तो उसको शरीर पानी न लेकर के उसको एक भोजन की तरह समझता है, इसलिए उससे पाचन शक्ति ना तो कम पड़ती है, ना ही उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होता है, क्योंकि उतने के हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, इसलिए उनका कोई नुकसान नहीं है, उनकी हम गिनती पानी में नहीं करते। इसी तरह छाछ जब पीते हैं उसमें बहुत सारी चिकनाई होती है, वो आपको भोजन के साथ नुकसान नहीं करती, भोजन के बाद नुकसान नहीं करती, नुकसान करेगा कच्चा पानी। अब आपने देखा होगा बहुत सारे फल होते हैं उनका रस कच्चा होता है, जैसे तरबूज है, खीरा है, मूली है, इनका आप पानी निचोड़ के पिएंगे एकदम कच्चा टेस्ट आएगा, ये खाने के बाद नहीं लिए जाते, इनसे भी पाचन अग्नि मंद होती है। अगर आपने कोई पाक रस वाला फल, आम, चीकू, लीची, इनका रस पीके देखेंगे आपको पका पका महसूस होगा कि जैसे किसी ने धूप से गर्मी से कड़ गया है,
उसमें बहुत एक तरह से पतझड़ जाना जिसको बोलते हैं, वो चढ़ चुकी है उसमें। तो वो वाले रस जब आप लेते हैं या वो वाली चीजें, वो आपका पाचन शक्ति कमजोर नहीं करती, वो आपके खाने को अग्नि को नहीं बुझाती। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि कब कौन सी चीज लेनी है। खाने के पहले पानी जो है 15 मिनट 10 मिनट पहले पिए, सफाई कर देगा, भूख लगा देगा। खाने के तुरंत पहले मन किया है तो 2-4 घूंट पी ले गला साफ करने के लिए। खाने के बीच मन करे तो थोड़ा 1-2 घूंट 4 घूंट जायज है, चलो खाने को गीला कर देगा। बिल्कुल मैं नहीं कहता कि स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करो कि खाना अंदर ही ना जाए, कई बार थूक पूरी नहीं बन पाती तो थोड़ा 2-4 घूंट पानी चल जाएगा। लेकिन बार बार आप पानी पिए जा रहे हैं, साथ साथ खाना खाए जा रहे हैं, तो खाना हजम होने में देर लगेगी। शुरू शुरू में खाना हजम देर से होगा, फिर धीरे धीरे गैस रहनी शुरू होगी, ज्यादा पुराना हो जाएगा एसिडिटी बनेगी, और पुराने ऐसे होता जाएगा, आदत पकती जाएगी, तो खाने से पूरा न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, खाना आधा वेस्ट जाएगा मल में। ये नुकसान होंगे। अब आपके ऊपर है कि आप खाने के साथ पानी पीना चाहते हैं नहीं पीना चाहते, क्योंकि कोई आपको शरीर कोशिश करेगा, वैसे वो जोर लगाएगा, आपको लगेगा मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक, मैं तो पीता हूँ। लेकिन जो नहीं पीते हैं, जो खाने के, अगर बहुत ज़्यादा शरीर गर्म है आपका, आपको बहुत गला सूखता है, तो खाने के आधे घंटे बाद पानी पी लो। बहुत शरीर पतला दुबला है, खाने के आधे घंटे बाद पानी पी लो। लेकिन जो सामान्य डिलडोल वाले हैं, खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें आपकी पाचन शक्ति कमजोर नहीं होगी, चेहरे का तेज बना रहेगा, आलस थकान नहीं आएगी। उम्मीद है आपको जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एक डाउट क्लियर हुआ होगा। जो आजकल लोग, आज तक जो लोग आपको बताते थे सिर्फ कि पानी नहीं पीना चाहिए, आज आपको समझ में आया होगा क्यों नहीं पीना चाहिए और कब पीना चाहिए। अगर आप खाने के बाद में नींबू पानी भी पीना चाहें खट्टा, तो भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप चाहते ही हैं खाने के बाद पीना है, तो पके हुए फलों का रस पिया जा सकता है दिन में, रात में वो भी नहीं, सूर्य की रोशनी जब है तब। और छाछ आदि तो ली जा सकती है, मट्ठा लिया जा सकता है खाने के बाद, तुरंत बाद। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैं खड़ा हूँ किसी गाँव में, यूं ही बस निकल रहा था, तो मुझे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नीम की खुशबू आ रही है, मेरा सारा मुंह कड़वा हो गया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बिना खाए जैसे मैंने नीम खा ली हो। तो ये यहाँ की जो हवा होती है, प्रकृति की, गांवों की, ये अपने आप में इसमें औषधीय गुण है। ये भी जरूर करें, अपने जीवन में जरूर इनको शामिल करें। जब भी आपको मन करे गांव की तरफ निकल जाइए, टहलिए, पेड़ों के नीचे बैठ जाइए, आपको बहुत ठंडक, बिना एसी के आपको ठंडक महसूस होगी। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कारम। आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना के बराबर। वो गोली नहीं खा सकते, तेज दवाइयाँ नहीं खा सकते। इस समस्या को समझते हुए मैं लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए ढेर सारे अर्क, जिसमें आपको अश्वगंधा का अर्क, जीरा का अर्क, और ये गाय के दूध से बना हुआ अर्क कमजोर बच्चों के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अर्क आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, कभी भी फर्स्ट एड के तौर पे जरूरत पड़ने के लिए आपको ये बड़े ही अच्छे हैं, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबके लिए। और इनकी डोज यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं होती। ये अर्क आपको sanskritibazaar.com पर मिल जाएंगे, आप अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सभी वैद्य भाई बहन इस अर्क की विद्या को भी अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है। उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया, माँ पार्वती ने आगे रावण को विद्या दी, और रावण ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आप ज़रूर इसे अपने घर में, अपने जीवन में शामिल करें।